पर्पस ये है कि 700 करोड़ लोग जो इस पृथ्वी पे हैं सब सीखे. इट इज मेंट फॉर नॉट ओनली एक्टर्स बट फॉर एवरीवन. इट इज मेंट फर्स्टली वी कैन से फॉर एक्टर्स एंड सेकेंडली एज यू सेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच मीन्स एनीवन हु हैज स्टेज फियर स्टेज फ्राइट एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम सप्रेस्ड इमोशंस एनीवन हु इज suffering from inhibitions, anyone who has difficulties in being a good team player, because particularly theater teaches you to be a good team man, because acting is a work which cannot be done all alone. You have to adjust with the other person. That's the beauty. Lekhak akele kaam karega, kavi akele likhega, painter akele kar sakta hai, lekin actor akele kaam nahi kar sakta. आप कितने अच्छे एक्टर क्यों ना हो, आपका जो साथी है और दूसरे साथी हैं वो भी आपको अच्छे नहीं तो बराबर के चाहिए. तो टीम मैन भी बन सकते हैं. टीम प्लेयर आपको एडजस्टमेंट सिखाता है. और समाज ऐसा है, तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के प्रदेश से आए हैं, तो दूसरे के साथ एडजस्ट करना, झक मार के एडजस्ट करना, ये अपने आप में ट्रेनिंग हो जाती है जो कि थिएटर के काम में हो जाती है. और अपने इमोशंस को चैनलाइज करने का रास्ता भी अभिनय रूप बताता है. जैसा हमने कहा कि हमारा एक नाटक है मैं मनुष्य हूँ, वो इसी विषय पर आधारित है. उसी नाम की एक पुस्तक भी है मेरी, मैं मनुष्य हूँ. तो हमने सारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है षड ऋतु और अष्टपाश के माध्यम से. मतलब वो हमने किया है, ऐसा नहीं है वो पुराना काम है, पुराने ऋषि लोगों का काम है. भारतीय शास्त्र में, भारतीय अध्यात्म के शास्त्र में षड ऋतु और अष्टपाश ये 6 असुर और 8 असुर जो आपको बांधते हैं, जिनसे आप नीचे गिरते हैं, जिनसे आपका मन नकारात्मक हो जाता है, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है. तो इनको अभिनय के माध्यम से हम कैसे चैनलाइज करें, वो काम हमने एक रिसर्च के रूप में किया है एक पुस्तक मैं मनुष्य हूँ. जैसे उसी जैसे एक ऋतु है क्रोध ऋतु. क्रोध रिपु और रौद्र रस ये दोनों सिनोनिमस, इन दोनों का आपस में रिश्ता. क्रोध बहुत अंदर है, तो अगर वो रौद्र रस के रूप में आप निकाल पाए बकायदा एक मोनोलॉग के जरिए, एक स्पीच के जरिए, तो आपकी थोड़ी सी हीलिंग हो जाएगी. तो उसके लिए आपको सिर्फ, मतलब ये सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है, ये नॉन एक्टर्स के लिए भी, हर उस आदमी के लिए है जो इस क्रोध रिपु से परेशान है. उसी तरह हर ऋतु ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या को कैसे चैनलाइज करें, कैसे, तो चैनलाइजेशन का जो मेथड है अभिनय रूप का वो यही है जो अभी आपने देखा कि पहले नेगेटिव इमोशन को एक्सप्रेस करो, फिर पॉजिटिव इमोशन का उस पर एक लेप लगा. क्योंकि सिर्फ नेगेटिव निकालने से बात नहीं बनेगी. अगर नेगेटिव निकल गया तो खाली स्थान में फिर नेगेटिव भी भर सकता. तो नेगेटिव को निकालो, पॉजिटिव भरो, नेगेटिव निकालो, पॉजिटिव भरो. ये काम लगातार चलते रहना चाहिए, तब जाके हीलिंग होती है. तो आपको